मैं अभी तो यही कह सकता हूँ कि इस विषय पर जरूर सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए और हम पूछेंगे भी, और कल का पूरा दिन आपका इससे रिलेटेड है और तमाम पार्टियों के लोग भी आएंगे। वैसे सरकार का कहना ये है कि हम कदम कदम बढ़ाकर कई बड़े स्टेप्स ले रहे हैं। मैं फिर पुराने मुद्दे, दूसरे मुद्दे पर आता हूँ जिसकी आज चर्चा हम कर रहे थे, वो है करप्शन के ऊपर लगाम। अब वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाकर कि हम एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो क्या बाकी लोग ये चाहते हैं एजेंसी अपना काम छोड़ दें? मान लीजिए कि कविता जी बड़ी नेता हैं, तो इसका मतलब कि एजेंसी इस वजह से उनके सवाल नहीं पूछ सकती क्योंकि वो एक बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से हैं या वो एक बड़ी नेता हैं? नहीं, आपने जो बोला है कि कदम कदम बढ़ा के इंक्रीमेंटल ग्रोथ हम कर रहे हैं, ये सरकार का वो वादा नहीं था। मोदी जी हमेशा ये कहते थे कि इंडिया का इतना पोटेंशियल है, मैं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ला के दिखाऊंगा। वो नहीं किया उन्होंने। नौकरी दूंगा 2 करोड़ का, वो नहीं किया उन्होंने। फार्मर का इंक्रीज इनकम बढ़ाऊंगा, वो नहीं किया उन्होंने। महिला का आरक्षण दूंगा, वो नहीं किया उन्होंने। सो ही प्रोमिस्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड ही डिड नॉट डू इट। एंड व्हेन इट कम्स टू करप्शन, फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मैं यही बोलना चाहती हूँ आदरणीय मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से। कर्नाटका के कॉन्ट्रैक्टर्स इनको एक खत लिखते हैं सीधा सीधा मोदी जी को कि आपके सरकार हमें 40% कमीशन पूछ रही है। क्या हुआ ईडी का, क्या हुआ सीबीआई का, क्या हुआ करप्शन का, क्या हो गया वो स्टेटमेंट का कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? तो आपके पार्टी वाले खा रहे तो आप देखते रह जाएंगे, वही करने के लिए आए हैं आप। भ्रष्टाचार आपके पार्टी में रह सकता है लेकिन दूसरे पार्टी में नहीं रह सकता है। और एक बात, आयु सिंह की सबको भ्रष्टाचार करने दें? नहीं, वो बात नहीं बोल रही हूँ मैं। तो उनका अभी तो रवैया ऐसा दिख रहा है ना कि कविता को करप्ट बताओ आप, किसी और को करप्ट बताओ, लेकिन बीजेपी के ऊपर जांच मत करो। जांच करने का मतलब ये नहीं होता है कि प्रूव हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का अभी पूरा एक मार्केटिंग सिस्टम ये है कि पहले सौरव जी को बोलेंगे कि इन्होंने करप्ट किया है, करप्शन किया है। कौन बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलेंगे। बाद में एक एजेंसी आएगी सौरव जी पे, एक केस बनाएगी, फिर दूसरी एजेंसी आएगी आपको बुलाएगी, तीसरी एजेंसी आएगी, लेकिन चौथा बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी आएगा। वो कौन है? ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। उसमें सौरव जी के फ़ोटो निकाल के सेम स्क्रिप्ट हज़ारों हज़ारों अकाउंट में डाल के पूरे जनता में आपको बदनाम करेंगे। 1 साल के बाद सब लोग भूल जाएंगे, तब तक इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक इनका पूरा इकोसिस्टम है। ये तेलंगाना का इलेक्शन अभी दिसंबर में है जी। तो इन्होंने 1 साल पहले शुरू कर दिया, तो ये लगातार करते रहेंगे। आप सोच लीजिए सौरव जी, ये मेरा जो इन्होंने ईडी को बुलाना, ये अभी ख़त्म नहीं होने वाला है। टीवी सीरियल के जैसा ये इलेक्शन तक खींचेंगे। तेलंगाना इलेक्शन के बाद में ही ये मुद्दा ख़त्म होगा। ये क्लैरिटी तेलंगाना के लोगों में है, तेलंगाना के पॉलिटिशियंस में है, हम भी जानते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हैज़ बिकम अ नॉर्मल सी राइट नाउ। लोग अभी समझ रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं ऑपोजिशन में, हम क्या कर सकते, हम तो या तो जनता के अदालत में जाएंगे या तो अदालत में जाएंगे, जनता को बताएंगे कि ऐसा हो रहा है। अगर जनता हमारा साथ दे रहा है, हम बता पाएंगे इफेक्टिवली जनता को, तो ज़रूर जनता हमारी साथ देगी, लेकिन अदालत भी हमारी साथ देगी, हम ये मानते हैं। राइट मैम, दिल्ली देश में कोर्ट्स हैं, आफ्टर ऑल वो तय करते हैं। पानी मैम इधर है अगर आपको चाहिए हो तो। जी, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। हाँ, मैं ये कह रहा था मैम कि आपने कहा ये इलेक्शन को लेकर के केवल एक माहौल बनाने के लिए ये सरकार करती है, लेकिन दिल्ली का एग्जाम्पल क्या बताता है? मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया इसी मामले में जिस पर आप पर आरोप लगाया जा रहा है, लिकर स्कैम को लेकर के। गुजरात का इलेक्शन निकल गया, एमसीडी का इलेक्शन निकल गया, उसके अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है दिल्ली में, लेकिन फिर भी मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया है। तो आप अब भी कहेंगे कि नहीं, अब ये भी माहौल बनाने के लिए? एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए जब गुजरात इलेक्शन में आम आदमी पार्टी जा रही थी, उससे पहले इन्होंने शुरू किया और मनीष सिसोदिया जी को सीधा ऑफर दिया कि आप बीजेपी में ज्वाइन हो जाओ, आपके ऊपर केस नहीं रहेगा। और ऐसे हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स है ना। हिमांता बिश्वा शर्मा जी जो अभी सीएम है असम के, उनके ऊपर कितने आरोप लगाए थे इन्होंने जब वो कांग्रेस में थे। जब ये बीजेपी में चले गए तो वॉशिंग पाउडर निर्मा हो गया ना, पूरा साफ हो गया, जगमगाते हुए हिमांता बिश्वा वापस आ गए। ऐसे बहुत सारे केसेस थे, ज्योति सिंधिया पे थे, येडियुरप्पा जी पे थे, भावना पे थे, भावना गावली जी पे थे, बहुत सारे शिवसेना नेताओं पे ऊपर ईडी डाल के उन्होंने सरकार ही गिरा डाली। ऐसे तो एक नहीं ना, 9 राज्यों में सरकार गिरा डाली है ना। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है सौरव जी, मैं आपको एक ही बात सोचने के लिए पब्लिक से रिक्वेस्ट करती हूँ। मैंने एक हेडलाइन पढ़ी थी और उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था, जब एकनाथ शिंदे जी का सरकार बना था महाराष्ट्र में, नेक्स्ट डे एक वेरी पॉपुलर इंग्लिश पेपर लिखता है मोदी सर्जिकल स्ट्राइक ऑन शिवसेना।
फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। आई सेड दिस इज नॉट मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक ऑन शिवसेना, इट इज मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक ऑन डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आप उल्टा डोर से, बैक डोर से आके सरकार गिराते हो और अपने आप को सर्जिकल स्ट्राइक बताते हो। कितने राज्यों में सरकार गिराओगे? कितने ईडी को यूज करके 27 MLAs पे केस होता है महाराष्ट्र में, सरकार गिराते हो? ये कहाँ की डेमोक्रेसी हो गई? ये तो आपने वादा नहीं किया था ना। आपने क्या वादा किया था? पॉलिसी पैरालिसिस है, मैं आऊँगा, काम करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अब आप क्या कर रहे हो? अदानी जी को क्यों इतना आप सपोर्ट कर रहे हो? क्या लगते हैं अदानी जी आपके? LIC का 50,000 crores का शेयर्स में लॉस होता है और प्रधानमंत्री जी एक बात भी नहीं बोलते। कल श्रीलंका का फाइनेंस मिनिस्टर आके बोलता है अदानी का और हमारा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, तो ये एक बात भी नहीं बोलती है। फॉरेन मिनिस्टर कंडेम नहीं करता है। यानी मान रहे हो आप अदानी प्रधानी सेम है क्या? जुड़वा भाई है क्या दोनों? तो देश मान ले, अब जो भी अदानी को करना है वो करने देंगे। तो दैट इज नॉट करप्शन। अब ईडी कहाँ है भाई? कहाँ है ईडी? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।